मार्च महीने के पहले सप्ताह से ही विदर्भ का तापमान बढ़ने लगा है। अप्रैल माह में ही तापमान के आंकड़े ने आसमान छू लिया। 100 वर्षों में पहली बार अप्रैल माह इतना गर्म हो रहा है। अब मौसम विभाग ने दिए हुए इशारे के अनुसार आने वाले दिन विदर्भ के लिए चिंताजनक रहेंगे। 8 मई से विदर्भ में उष्ण लहरें होगी, इसलिए इस महीने का पुराने रिकॉर्ड टूटने की शक्यता खगोल अभ्यासक प्राध्यापक सुरेश चोप ने इन्होंने व्यक्त की। चंद्रपुर जिले में महीने के तापमान का पुराना रिकॉर्ड 48.2 अंश सेल्सियस है। उष्ण लहरें ऐसी ही कायम रही तो यह रिकॉर्ड टूट सकता है। इस वर्ष शुरुआत से ही विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र में उष्ण लहरें बह रही है, इस वजह से विदर्भ का तापमान बढ़ा। उष्ण लहरों से होने वाले धोखे को मद्देनजर रखते हुए नागरिकों को अपनों का और खुद का ध्यान रखने का आह्वान किया है। गेल्या मार्च पासून चंद्रपूर आणि विदर्भामध्ये उष्ण लहरी चालू आहे। मधल्या 2-3 दिवसाचा काळ वगळता आत्ता पुन्हा हवामान विभागाने एक इशारा दिलेला आहे की 8 मे पासून पुन्हा विदर्भामध्ये आणि चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये आणि काही इतरही जिल्ह्यामध्ये उष्ण लहरी पुन्हा येणार आहे। म्हणजे असंच अशाच प्रकारे जर उष्ण लहरी मे महिन्यामध्ये यायला लागल्या तर कदाचित मे महिन्याचा जो जुना रेकॉर्ड आहे, जो 48.2 रेकॉर्ड आहे कदाचित, आणि 1 वर्ष 49 रेकॉर्ड आहे, हे रेकॉर्ड पण आता तुटण्याची शक्यता ना करता येत नाही। कारण यावर्षी खूप मोठ्या प्रमाणावर उष्ण लहरी आपल्या विदर्भामध्ये मध्य महाराष्ट्रात आल्या आणि हाच ट्रेंड जर राहिला तर निश्चितच तापमान 47 आणि 48 डिग्री निश्चितच क्रॉस होण्याची शक्यता आहे। तेव्हा नागरिकांनी निश्चितच काळजी घ्यावी आणि आपल्या आरोग्याची आणि बाकीच्याही सर्व गोष्टीची आणि काळजी घेतली पाहिजे। बॉसने मीटिंग बुलाई। आदमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।